एक बार होता ये कि कृष्ण जी अब जा रहे हैं हमेशा के लिए वहां से मथुरा के लिए निकल रहे हैं, तब सारी गोपियां चिंतित है कि भाई अब कृष्ण चला जाएगा उसको रोके तो कैसे रोके। तब वो राधा जी के पास जाते हैं और राधा जी को कहते कि भाई तुम कहो तो वो मान जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, तो तुम जाओ उसे रोको। तो तब राधा जी उनके पीछे पीछे बग्गी के आती है और उन्हें रोकती है। तब कृष्ण भगवान बग्गी वाले को कहते हैं कि भाई रोक दो, मुझे दो मिनट चाहिए। तब बग्गी वाले पूछते हैं कि भाई ये कौन है जो आपको बुला रही है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब सबको प्रॉब्लम होता है तो सब लोग मेरे पास आते हैं और जब मुझे प्रॉब्लम होता है मैं इनके पास जाता हूँ। तब वे वहां आई, उनसे बात की और वो कहने लगी कि मैं तुम्हें रोकने के लिए यहां नहीं आई हूं, मैं ये कहने आई हूं कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे प्यार की, स्नेह की, तुम्हारी मदद की काफी लोगों को जरूरत है। अगर बादल भी घर बसाने लग जाएंगे तो भाई लोगों का क्या होगा? तो भाई बादल कभी घर नहीं बसाते बिकॉज उसे हर जगह पानी देना होता है। तो तुम्हारा स्नेह भी, तुम्हारा प्यार भी सब में बटना चाहिए, सब लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तो तुम जरूर जाओ, ऐसा राधा जी ने कहा। तो देखिए इनका कितना अच्छा प्रेम था, कितना स्नेह था, प्यार था कि भाई जिसमें आजादी थी। भाई जब हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं या हमारे हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है फ्रीडम नहीं देते। इनके प्यार से सीखने वाली बात है, इतिहास में इनका नाम है, राधा जी का नाम पहले लिया जाता है, कृष्ण जी का नाम बाद में लिया जाता है, बिकॉज उन्होंने अपने कामों से एक इतिहास रचा। उनका नाम लिया जाता है बिकॉज वो कृष्ण को आजाद रखने में प्यार समझते थे और हम लोगों को बांधने में प्यार समझते हैं कि भाई बेटा टाइम पर घर आना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम वहां इतने बजे तक क्या कर रहे थे। तो भाई एक सोने का पिंजरा हो ना तो सोने का ही क्यों ना हो, वो पिंजरा ही कहलाता है। प्यार 7 दिन अच्छा लगता है लेकिन जब आजादी ना मिले तो ज्यादा दिन प्यार अच्छा नहीं लगता, वो बंधन लगने लगता है और व्यक्ति वहां से छूटना चाहता है, भागना चाहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें और आपके साथ रहे तो भाई आपको भी उन्हें आजादी देना शुरू करना है, उन्हें फ्रीडम देना शुरू करें, उन्हें अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीना देना शुरू करें। तो आजादी में मानेंगे, प्यार की परिभाषा बदलेंगे, लोगों को फ्रीडम देंगे, खासकर अगर बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें फ्रीडम देंगे। Thank you.